नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हिंदी गुरुजी में। फ्रेंड्स, मैं आपको ईपी बीएड की कुछ काउंसलिंग इंपोर्टेंट न्यूज़ के बारे में आपको जानकारी दे दूं। फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे थे वीडियो पर कि सर कुछ जानकारी है, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा और बहुत सी इंपोर्टेंट्स बात आपको बताऊँगा। देखते रहिए पूरी वीडियो को और जान लीजिए कुछ इंपोर्टेंट्स, हो सकता है आपके लिए वो खास हो और आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो चल दोस्तों, फ्रेंड्स आपसे एक बात करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उस दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ईपी बीएड से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ एंड कोई अदर गवर्नमेंट वैकेंसी आती है उसका अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। रेलवे पुलिस का भी कोई नया अपडेट आता है मैं आपको वो भी बताता रहता हूँ। फ्रेंड्स, फर्जी वीडियो बहुत से फ्रेंड डालते रहते हैं कि ये अपडेट आया वो अपडेट आया, मैं ऐसा कुछ नहीं डालता जो मुझे लगता है कि हाँ ये राइट है। मैं उसके लिए फिर उसका सर्वे करता हूँ, देखता हूँ कि ये न्यूज़ सही होगी, तभी मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ। मैं बिल्कुल राइट वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, ये सब जानने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे हम कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और वीडियो को सबसे पहले देख लें। फ्रेंड्स एक सिखा रहे थे, आप वीडियो को लाइक नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये जो है काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस जो है शेड्यूल, किस रैंक की कब काउंसलिंग होने वाली है, पोल काउंसलिंग क्या, डायरेक्ट काउंसलिंग क्या, पूरी वीडियो सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ। आप वीडियो को कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक लेकर आप वीडियो को देख सकते हैं या हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख भी सकते हैं। मैंने पूरा बताया उसमें किस डिटेल के साथ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो ऑनलाइन पेमेंट होगा जो काउंसलिंग का, वो पूरा ऑनलाइन होगा। कि जो फीस जो है वो फीस, जैसे मान लीजिए कह रहे थे कि काउंसलिंग फीस जो ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, फ्रेंड्स ऑनलाइन ही फीस सबमिट होगी, कोई ऑफलाइन नहीं होगी। आपके बैंक अकाउंट से वो काटा जाएगा, चालान होगा पूरा, आप नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड किसी से भी फीस पे कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए थे, उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, बता देते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, सानिया फराहत शेख ने ये मैसेज किया था कमेंट्स में कि काउंसलिंग के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, काउंसलिंग के लिए आपको अपने घर पर बैठे कर खुद अपने मोबाइल से या अपने सिस्टम से या किसी इंटरनेट कैफे पर जाकर काउंसलिंग खुद से करवा सकते हैं। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इस साल पहली बार ही ऐसा किया है, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती थी बच्चों को भी, जाते थे चार बार चक्कर लगाना पड़ता था काउंसलिंग सेंटर पर। ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद से ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी, अपने घर बैठे आराम से काउंसलिंग कीजिए। अब आते हैं कि ये फौजिया खान, क्या नाम लिखा है, ये फौजिया खान जो भी लिखा हो, उन्होंने मैसेज किया है काउंसलिंग लेटर ऑनलाइन आएगा क्या, प्लीज़ रिप्लाई। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ जो काउंसलिंग लेटर है वो ऑनलाइन ही आएगा। फ्रेंड्स की अब तो एडमिट कार्ड होगा, लेटर होगा कोई, अब तो डाक से थोड़ी आता, पहले डाक से आते थे, लेकिन अब जो है सब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, तो वो ऑनलाइन ही आएगा पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन ही काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन ही आएगा। अपनी जो आईडी मिली है लखनऊ यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाकर आईडी लॉगिन कीजिए, वहीं से आपको काउंसलिंग लेटर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, अंशी जी ने भेजा है, सर कुछ लोग बता रहे हैं कि काउंसलिंग नहीं कराने पर डायरेक्ट बीएड में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है जिससे फीस कम लगता है, क्या ऐसे। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं अंशुल जी कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको बीएड कॉलेज प्राइवेट में भी डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए भी काउंसलिंग की जो रैंक है वो जरूरी कंपलसरी है। जो काउंसलिंग जैसे कराते हैं डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए, काउंसलिंग कराते हैं लेकिन एडमिशन नहीं मिल पाता, तो ऐसा कुछ नहीं है, फीस कम नहीं होता, लेकिन जो है हाँ ऐसे ले सकते हैं एडमिशन, लेकिन रैंक बहुत जरूरी है आपके लिए, जो आपकी रैंक बनी थी वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपके लिए कोई एडमिशन नहीं होगा, लेकिन फीस कम नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है।
आगे बात करते हैं कि नाज फतेमा जी ने कहा है कि काउंसलिंग लेटर कैसे कब आएगा। काउंसलिंग लेटर में बता दूं आपको, काउंसलिंग लेटर जो है, काउंसलिंग लेटर आपकी आईडी लॉगिन कीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाकर वहीं से मिलेगा। तो फ्रेंड्स जो लेटर है वो आपकी आईडी पर मिलेगा, लॉगिन जब भी आएगा मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और मैं आपको वीडियो देखते रहिए, चैनल पर विजिट करते रहिए, पूरा कोई भी नया अपडेट आता है मैं आपको पूरा पूरा वीडियो की सहायता करूंगा, पूरी हेल्प करूंगा आपको, वीडियो के माध्यम से पूरा पूरा बताता रहूंगा, कोई कमेंट होगा उसका भी जवाब आपको दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर और भी कोई जानकारी हो वीडियो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं आपको उसका भी जवाब दूंगा, वीडियो बना दूंगा आपके लिए, मैं इसी तरह वीडियो बना कर बता दूंगा या आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो यहीं तक थी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम है सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।